ऋषभ नीचे से देखा चले जाओ चले जाओ अविका फोटो खींचो। अच्छा फोटो भी हो जा रहा है, रुक जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखना इसका हाथ, देखना अभी छोड़ूंगा, देखना ये देखो जल्दी। लेकिन हम तो तुम छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे। कितने बजे? 12 बजे है। हे गाइस वेलकम बैक टू अमित एंड किटो जायसवाल यूट्यूब चैनल। आज ऋषभ का बर्थडे, इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा आप लोगों ने कि सब तैयार होकर भी पहुंच चुके हैं और यहां पे सबने स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। किटो का वन ऑफ द फेवरेट डिश जो है वो है क्रिस्पी कॉर्न, तो इस टाइम वो क्रिस्पी कॉर्न खा रही है और काफी टेस्टी होता है और मुझे भी बेहद पसंद है। किटो का फेवरेट है ना ये जो कॉर्न होता है, वो ये चाइनीज का आइटम है बेसिकली। तो अब ये पिज्जा है और पिज्जा का भी है, सब देख करके पिज्जा बोल रहे हो। केक कटने का टाइम आ गया तो अब केक कटने की तरफ चलते हैं। ऋषभ ये देखा चले जाओ चले जाओ, लग जाएगा लग जाएगा। चलो इधर से इधर प्लीज मैम, इधर खड़ी हो जाओ, इधर उधर सब कुछ ले रहा है। उधर दिखाओ अरे इसका बर्थडे मैं खिलाऊंगी ना, छोड़ो छोड़ो करती है बहुत। ऐसा हो नहीं सकता कि रील्स न बने। और वेयर हाउस कैफे में हमारी पार्टी थी और यहाँ पे दोनों बहनें मिलकर रील्स बना रहे, मेरा किटो 2-3 रील्स बना दिया है। और क्या करे किटो, नहीं आता हमको डांस। कौन सा रील चाहिए? नहीं करते उसको परेशान, बहुत ही क्यूट है। पतिया सर गाइस का डायपर बाहर आया है, चलो सलाम निकाल ले, तब ले चलना है उधर ना। मेरा फोटो यहाँ भी काफी खींचे। किट्टो यहाँ अपना सारा कुछ सामान निकाल रही है, दुबले दुबले करके आ जाए। ये भी होंडा मेज है, यही ये वाली मेरी भी गाड़ी होंडा मेज ही है। बाबू चला जाएगा थोड़ा देखिए। तो खेलने में वो फायदा का? तो के सूट बजे ले पिटी सूट करा है। बस थोड़ा सा बजे नहीं बाबू। हाँ, तेरा टाइम इस लोग बाहर आ गया है। जितनी गर्मी है बाहर तो पर भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं धूप में। धूप में देखो देखो हमारी बाप रे जल्दी जल्दी चेहरा मजाक ले रहा है। देखो सब अपना अपने मोबाइल व्यस्त है, मैं बोल रहा है कब से वीडियो देखो। अरे हम जा रहे हैं काम, हमारा दिल्ली कैसे जा रहे हैं। बजरा से तो और गर्मी पड़ती है, देखो पसीना रुक ही नहीं जाए, इतनी गर्मी है, खतरनाक वाला गर्मी है भाई। गर्मी देख रहे हो कि तो बाप रे, अरे बाप रे गर्मी है। चला चले तो चलते।
अभी का फोटो खींचो। अच्छा फोटो भी हो जा रहा है, रुक जाओ। बाबू के नाम करण पे। अरे 24 तारीख के आएंगे ना। चलो यार, पसीना भी नहीं रुक रहा यार, देख रही हो पसीना कितना हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आ जाओ। जब फाइनली टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, हम लोग निकल रहे हैं। बाय 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 बाय। गाइज फाइनली पार्टी हम लोग की ओर हो गई, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। इधर जाना, किधर? इधर जाना है। हम उधर जाएंगे। सीधे तुम इधर खड़ा करते हो ना? हाँ भैया, सीधे यहीं से निकल जाएंगे। बेल लगाइयो ना। अब आए तो रास्ते से दूध वगैरह सब कुछ लेते हुए चलना पड़ेगा। बाबू सुन रहे, परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। नहीं, मुझे बताओ, जब पापा आपको भी दूध पिलाया है बॉटल में, तो आप क्यों अपनी उंगलियां चाट रहे हो? क्यों चाट रहे हो? क्यों? देखो अभी गाइस, अभी छोड़ूंगा हाथ, देखना इसका हाथ, देखना अभी छोड़ूंगा, देखना। ए ए ए ए ये देखो, देख रहे हो आप? ये ना गंदी आदत पकड़ रहा है, इसको मना कर रहे हैं। ये भी छोड़ो, आओ। आप क्यों ऐसा कर रहे हो बेटू? देखो वो वाला, अभी देखो ये भी हाथ दोनों। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? कुछ भुक्कू लगाया है? आपको? ओ नहीं, गंदी बात, पापा नहीं करने देगा आपको ऐसा। क्यों करते हो आप ऐसा? हाँ, अभी देखो, अभी हाथ छोड़ूंगा, देखना। ये देना कुछ देर का मुँह में, तुरंत मुँह में जा रहा है इसको, जो कि अभी खा पी चुका, मतलब पी चुका है दूध, एकदम फीडिंग कर चुका है, तो भी पर इसके देर देर फिर गया मुँह में। क्यों गंदी आदत सीख रहे हो आप? बेटू क्यों गंदी आदत सीखते हो आप? क्यों बेटा, पापा अच्छी आदत सिखाते हैं ना आपको? हाँ, तो क्यों गंदी आदत करते हो आप? क्यों गंदी आदत करते हो? क्यों करता है मेरा बेटा? आप तो अच्छे बेटा हो ना, इधर देखो बेटू, लल्ला, जानू, पापा बुला रहा है आपको। क्यों करते हो आप ऐसा? देखो अभी मौका जहाँ मिलेगा ना, तुरंत हाथ में डालेगा मुँह। वेट करिए आपका। अभी देख रहा है, बहुत समझदार है। पता है इसको, पता है पापा ब्लॉग बना रहा है तो मैं करूँगा तो लोग मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देखना सर, एक्टिंग देखो इसकी, एक्टिंग करता है बच्चा ही मेरा। हाथ डाल के निकाल दे रहा है। ये देखो पहुंच गया इनका हाथ। देख रहा है पापा, वीडियो बना रहा है, मम्मा को दिखाएगा। आप क्या गंदी हरकत कर रहे हो? क्यों गंदी हरकत करते हो आप? क्यों गंदी हरकत करते हो आप? आप अच्छे बच्चे हो ना, इसको नहीं करते। आ जाओ ऐसे 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 ऐसे
हे गाइस वेलकम बैक टू अमित किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो रात के 11:30 बज चुके हैं और ये देखो ये परेशान कर रहा सोने दू दू क्या हम लोग घर आ चुके हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं स्क्रब कर रही हूँ अपने फेस का। स्क्रब क्या कर रहे हो? फेस वॉश करके सोते हो? अरे बाबू मैं तो आते जब बर्थडे पार्टी से आया हूँ, नहाया हूँ खूब नहाया। हम लोग खूब नहाए, क्या होता है? आप भी नहाए, आप भी नहाए हो। पहले मैं नहा के निकली फिर आप नहाए हो। मैं खूब ना भाई साहब मैं 1 घंटे नहाया हूँ। कम से कम हम लोग के शरीर में ना कोयला रखा हुआ है। इतनी भयंकर गर्मी लगी, इतनी भयंकर गर्मी लग रही और नींद खतरनाक आ रही थी। मैं गाड़ी चला चला गया, नींद आ रही थी। मैं पहले कहा मैं खूब सोऊंगा खूब सोऊंगा, तो मैंने आते ही खूब नहाया है। खाना नहीं बनाया मैंने, एकदम पेट भर इनको। मैंने बोला अच्छे खाना बनाओ, खाना खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पार्टी। अरे क्या करें, सुबह केला वेला ला देंगे। हम कैसे जाएंगे? जाना पूजा में रहना जल्दी। लेकिन हम तो तुम छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे। कितने बजे? 12 बजे है। देखना जैसा होगा, सही रहोगी तो बाबू लेके कंफर्टेबल रहोगी तो फिर चले जाना, नहीं तो जाएंगे बाबू की खोले के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे का ही लॉक करके जाना ना। और गाइस देखो ये ना गाड़ी चला रहे हैं। वाह काजल इतना लगा दिए किट्टो, इसको कितना काजल लगा दिए किट्टो, कितना काजल लगा दी बेटू को। ये बात करने के लिए परेशान रहता है, ये लेटा रहेगा ना ये सोचेगा मुझसे कोई कुछ बोल दे। देखो अभी भी देख रहा है। अमित जायसवाल का बेटा है भैया। सो जा बेटू। ऐसे चिल्लाएगा रात में बताओ कैसे नींद आएगी। ये तो फेस वॉश कर रही है, मुझे नीड ही नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना नहाया हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता आप लोग को। गांव जाना है। अच्छा गांव जाना है। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही है सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। और ये भी देख रहे हो मस्ती कर रहा है मेरे साथ, अभी मेरे से खूब बात किया। देखो अभी बात करने के मूड में है, मगर बाबू थोड़ा सा मैं ब्लॉग तो कर लूँ। बेटू ठंडा लग जाएगा। गाइस आज बहुत नेक्स्ट लेवल की गर्मी है, तभी क्या बोलते हैं अभी मैं निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए। तो इस वाले ब्लॉग के एंड करता हूं। आप लोग को ऋषभ का बर्थडे कैसा लगा और जरूर उसको बेस्ट विशेस आप लोग दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।